नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, नोएडा का एक स्लम एरिया है, उधर हम मौजूद हैं। कहने को तो सरकारें बहुत बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि वो गरीबों के इस तरह से मदद कर रही है, ये सुविधा दे रही है, वो सुविधा दे रही है, पर उन दावों की ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या वो दावे जो किए जा रहे हैं वो चीज़ें आम जनता तक पहुँच भी रही है या सिर्फ सरकारी दावों में बंद रह के रह रही है? ये हम जानेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं या कितनी सुविधा उन्हें सरकार से मिल रही है, इसे इस पूरी खबर जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम माय नेम इज राम जन्म है। तो क्या फिलहाल रोजगार जो कमाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है? मैम कभी कभी मिल जाता है, जैसे 400 से 500 का तक का काम मिल जाता है, कभी कभी मिलता है, फिर एक दिन मिलता है तो 4 दिन बैठे रह जाते हैं। क्या काम मिलता है? वही लेबर आना का, बेलदारी का। तो उससे कितना कमाई हो जाती होगी? एक दिन का तो वही 500 होता है ना, तो 2-3 दिन में वो खर्चा चला जाता है। और राशन वगैरह? राशन वगैरह मैम कोई कुछ नहीं देता है। हमें बात की थी तो कह रहे हैं कि दोपहर में राशन आता है, खाना भर आता है घर पे, एक प्लेट जो कि किसी को मिलता है किसी को मिलता नहीं। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई वगैरह का, उसका? पढ़ाई नहीं लिखाने के लिए तो 2-3 आते हैं बंदे, जैसे वहाँ पे कॉलेज 62 में है, वो आते हैं पढ़ाते हैं और 2-3 घंटे पढ़ाते हैं चले जाते हैं। तो एनजीओ वगैरह या सरकार वगैरह से नहीं आ रहा? खाना भेज कौन रहा है? अब इसको पता नहीं कौन भेज रहे हैं खाना, बाकी खाना इतना दिन से खा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कौन भेज रहा है, एनजीओ भेज रहा है या सरकार भी? क्या होगा? मोदी सरकार खाना भेजते हैं, मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार से आ रहा है। तो मेडिकल फैसिलिटी जो मेडिकल्स हाँ मैम, वो ही बुखार हो गया तो 20-30 रुपए का खुराक बनवाते हैं मेडिकल से, उसी को खा के रहते हैं, नहीं तो सरकारी में जाते हैं। कहाँ से बनवाते हैं खुराक? एक खुराक बजीतपुर एक बगल में है स्टोर बहुत बड़ा, उसी जगह से बनवाते हैं। और इनको देहात में दाई है, जैसे गाँव ही घर में के होते हैं जो मतलब करवा देते हैं। और अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो? ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है तो कभी कभी एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं। कितनी कमेटी हटाने लग रही है? तो कमेटी वाले तो आते हैं मैम, जैसे बाहर दुकान तोड़ने आते हैं तो इसमें भी हल जाते हैं, कोई कहता नहीं है कि जाके अंदर का ही तोड़ो, जैसे दुकान तोड़ने आएंगे तो इधर भी आके तोड़ने लगते हैं। यानी कि बेसिकली अगर उधर आरक्षण वगैरह हटाने आता है तो वो इधर आ जाते हैं। और पूरा हम लोग इसको साफ किए थे, कूड़ा था यहाँ पे, झुग्गी एक मिनट यहाँ पे पूरा कूड़ा था, हम लोग साफ किए, यहाँ पे झुग्गी बनाए, उसके बाद आके तोड़ दिए पूरे झुग्गी, स्कूल पूरे बर्तन, और किसी को तो आदमी को मारते भी। अच्छा, इनकी पहले तोड़ा जा चुका है, फिर से आप लोगों क्या कारण, मतलब क्या कह के तोड़ते हैं? बोलते हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे यहाँ से भाग जाओ, हटाते हैं फिर झुग्गी तोड़ते हैं। एक जब आएंगे, जब आदमी के मारने लगेंगे, बर्तन भरवा सब थूर को फेंक देंगे, कपड़े लत्ते सब गाड़ी में बोझ लेते हैं। कारण क्या? कुछ नहीं देते हैं, खाली कह देंगे यहाँ से हट जाओ, मत रहो यहाँ पर, हटाएंगे। आप लोगों ने कुछ कहा नहीं क्योंकि पहले भी कह रहे कि तोड़ कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ रहेंगे, हम लोग के रहने कितने साल हो गए? हो गया 10-12 साल। हम लोग 10-12 साल से यही इसी इलाके में रह रही है, फिर तो ये ज्यादा हटाने की कोशिश कब से हो रही है? ये हटाने कोशिश हो गया 2-3 साल से, परेशान कर रहे हैं ज़्यादा। 2-3 साल से परेशान तो यहीं पड़े हैं हम लोग, भाग नहीं रहे हैं यहाँ से। अच्छा, और सरकार की तरफ से आप कह रहे हो कि जोर आजमाइश भी करी जाती है? नहीं आता है यहाँ, मारा वारा जाता है हटाने के लिए कमेटी? अच्छा हाँ, बेटी कोई चीज़ नहीं आता है स्कूल में भी, तो अभी तो स्कूल तोड़वा दिए कमेटी। स्कूल कहाँ पे तोड़वाए? स्कूल सामने बना था, बच्चे लोग कैंप के तरह जैसे सरिया का बिल्डिंग करके स्कूल भी बनाए थे, मैडम जी सर जी सब लोग आते थे पढ़ाने के लिए, तो झुग्गी के साथ साथ उसे भी तोड़ दिए, फिर उसी दिन से पढ़ाई और बच्चे भटकने लगे, पढ़ नहीं थे। पहले पढ़ाने के वो थी बट झुग्गी के साथ वो भी तोड़ दिया। हाँ, उसे भी तोड़ दिया। और उसको तोड़ने का कोई कारण दिया होगा क्योंकि वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए करा जा रहा था ना? मतलब जैसे कारण यही था कि जैसे झुग्गी तोड़ेंगे ना
तो उसे भी हटाएंगे तभी सब लोग हटेंगे। अच्छा कहाँ पे बना था वो जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो यहाँ पे झूलू लगा है झूलने वहीं पे लगा था, उधर लगा था, में लगा था। तो वो एनजीओ वाले आते थे, सरकार की तरफ से आते थे, तो कौन आता था? वो तो एनजीओ ही, एनजीओ वाले आते थे। सब वीडियो में अपना अपना रखे मोबाइल में, आपकी नजर के सामने देख लेना कि हम लोग का विपद कितना हो रहा है। इसका वीडियो भी बनाए चार महीने लगातार जो की टूटा है। अच्छा, चार महीने से लगातार। हाँ, तो कहाँ जाने का? हाँ, हम लोग गरीब दिन जाएंगे। और बारिश वगैरह, क्योंकि अभी बारिश होता है फिर भी आते हैं, तोड़ देंगे। अच्छा, अभी बैठ जाते हैं बच्चे सब। अभी हाल ही में जो है बारिश बहुत तेज आई थी, काफी तेज बारिश हुई थी, काफी जगह जल भराव भी हुआ था। तो बारिश के समय क्या क्या परेशानी की? काफी कच्चा इलाका है तो पानी भरता भी होगा। मैडम जी, पूरा पानी भर जाता है। तो राशन वगैरह की फिर क्या समस्या है? किस नहीं मिला, कोई नहीं दिया, कोई नहीं मिल रहा। और जल भराव पे फिर कौन कौन सी समस्या, बारिश के मौसम में क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है? बारिश में मैडम जी, जो जहाँ मिट्टी ऊंचाई दिख रहा है वहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, पन्नी ओढ़ ओढ़ कर बैठ जाते हैं। अच्छा, यानी कि जो ऊंचे इलाके हैं उन पे करना पड़ता है। हो गया ऊंचाई, पन्नी ओन्नी ओढ़ कर बच्चे अपना बचा लेते हैं बैठ कर। फिर भी नहीं रहने दे रहे, पन्नी को उठा कर रख रहे हैं, हटा दे रहे हैं। दो दिन बच्चा होते हुआ है, तोड़ने के लिए आ जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मतलब जैसे कि यहाँ पे छोटा बच्चा है इसे मत हटाओ, फिर भी हटा ही देते हैं, कितना भी छोटा हो या बड़ा। पिछली बार कब आए थे वो? पिछली बार अभी मैम एक दो हफ्ता हो रहा है। एक दो हफ्ते पहले भी आए थे मैम? वो आए थे फिर दो तीन दिन के बाद, मतलब चैलेंज दे के भी गए हैं, बोल के भी गए हैं कि हट जाओ नहीं तो अब की बार आएंगे तो मारेंगे भी, लेडीज पुलिस भी आएगी, लेडीजों को भी मारेगी, मर्दों को भी मारेगी। इनकी धमकी भी दी जाती है? धमकी भी मैम मिला है, धमकी भी देते हैं। और किसी को कोई अगर कुछ बोलना चाहेगा तो उसको तुरंत मारने लगते हैं। जैसे अगर किसी का सामान टूटता है तो उसे सामान के लिए बचाने के लिए जाते हैं, न तो फिर मारने की धमकी देते हैं, दो चार बंदे हाथ लगा देते। मतलब कैसे हाथपाई करते हैं? डंडे से मारते हैं। अरे तो सर हम क्या अपराधी कर रहे हैं कि हम लोग को पीटते हैं? अच्छा, हाँ। और कौन कौन सी समस्या है, मतलब हेल्थ की बताइए? बता, पानी का नहाने धोने का अगर कहीं से पाइप फटा रहेगा तो। अच्छा, शौचालय की क्या वो है, क्योंकि बच्चे भी है, महिलाएं भी है? हाँ, शौचालय है वहाँ पे, वो उसमें जाते हैं। किधर है? कभी वो भी बंद कर देता है, जैसे बारिश होता है तो कह देता है लाइट। सरकारी शौचालय है? सरकारी शौचालय है। हाँ, आपसे पहले आपसे मतलब चाहे मीडिया हो, नहीं नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो कमेटी हटाती है उसकी कंप्लेन करी आप लोग? मैम क्या कर रहे, खुद पुलिस वाले साथ ही में आते हैं तो कंप्लेन कहाँ से करें? खुद पुलिस वाले साथ में आते हैं। और सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो मैम घर बनवाने, घर सरकार जो कहती है कि घर देंगे हम गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो उसकी तरफ से कोई आया, कोई सरकारी सचिव, कोई सरकारी ऑफिसर आया हो आप लोगों को इसके बारे में बताने या फिर कुछ भी सूचना? मैम ऐसा तो कोई भी नहीं आया, ऐसी कोई खबर आप तक नहीं पहुंची है कि सरकार घर विस्तृत कर रही है? जी, तो बच्चे लेके हम लोग जाएंगे कहाँ? बारिश होता है तो बारिश में भी झुग्गी तोड़ देते हैं, पूरा बच्चे भीग जाते हैं, राशन कपड़े सब भीग जाते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? आप ही लोग बताइए, यहाँ से हट भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? हम लोग भी व्यवस्था दीजिए कुछ। और ये ज़मीन, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि काफ़ी सालों से रह दी है, तो इतने सालों से ज़मीन खाली पड़ी है, कोई सरकारी काम इस पर? यहाँ पर मैम बहुत कूड़ा था, बहुत कचरा था, हम लोग इसको साफ किए कचड़े को, उसके बाद ये जो खाली पड़ी है केवल कूड़ा इसमें आने के गिराते हैं ट्रैक्टर वाले। तो यानी कि कोई सरकारी काम इस पर नहीं हो रहा, सिर्फ कूड़ा गिराया जा रहा है, और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है सरकारी, तुम लोग हट जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी इसमें डालूँ। और ये इधर से कौन आते हैं, मतलब आप लोगों जो कहा धमकी भी दी जाती है, मारपीट भी की जाती है? अरे वो 15-16 आदमी आते हैं भैया, जो भी बात करने जाएगा पहले मारेंगे झापड़। यानी कि ये बात नहीं सुनते और ना बात कर रहे हैं, सीधे हाथ अपना हम जाएंगे रखने, इससे पहले धमका देते हैं, साले बहन के लंड भागो यहाँ से, नहीं बहुत मारूंगा, गाली फैल देते हैं, गाली देते हैं। आप शब्द का प्रयोग मत करिए, आप वो बोल दीजिए कि गाली देते हैं। और फिर अच्छा, आप इंसान,
क्योंकि आपने कहा कि राशन वगैरह के भी, तो आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए क्योंकि किस हालात में आप रह रहे हैं, एक बार आप लोग हमें अपने घर का दिखाएंगे ज़रा, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर सके उसको, आपके घरों का हाल ज़रा। हाँ, घरों का हाल, किस हालात में आप रह रहे हैं, तो एक बार अपने घरों घर दिखाएंगे ज़रा। तो इनके कपड़े भी कुछ सिर्फ शायद है, और राशन भी कुछ खास दिख नहीं रहा, कंबल और कपड़े, और खाने का भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है अगर आप लोग देखें तो। और जैसा अभी इन्होंने कहा था कि कचरा अभी डाला जाता है, तो कचरा भी शायद काफ़ी एरियाज में दिख रहा है, और बाकी भी कुछ झुग्गी अगर हम देखें तो। एक बार ज़रा कौन है, अच्छा आपने क्योंकि कहा था कि सरकार जो है मतलब दोपहर में एक टाइम खाना आता है, वो पता नहीं सरकार दे रही है एनजीओ दे रही है, आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से आता है, तो कितनी मात्रा का और क्या खाना आता है जो आता है? कभी राजमा आता है, कभी दाल आता है, कभी बना बना खाया आता है या पैक? नहीं, बना हुआ आता है, बना हुआ आता है। और कितनी मात्रा, कितनी लाइन में लगोगे तब खाना मिलेगा, नहीं लगोगे तो नहीं मिलता है। कितनी मात्रा रहती होगी खाने की? खाने को कितना खाने को मैं था, कितना 100-200 ग्राम, एक प्लेट दो प्लेट, कितना वो रहता होगा खाना, कितनी मात्रा में? 200 ऐसा हो, बच्चों के लिए कम खाना मिलता है, आदमी के लिए ज़्यादा खाना मिलता है। अच्छा, और पूर्ति हो पाती है जो खाना मिलता है उसमें बच्चों को? कोई पाता कोई नहीं पाता है। कितना खाना मिलता होगा अंदाज़? एक भगोना चावल आता है, एक भगोना दाल आता है, बस उसी में सबको मिलता है, उसी में सबको बांट देते हैं। और सारे लेबर लोग आते हैं ना, काम करने वाले लोग भी आ जाता है, लेबर भी आ जाता है, इसी में खा के स्पेसिफिक आप लोगों के लिए नहीं आता, अगर कोई और भी आता है तो उसको भी दे दिया जाता है, और पूर्ति नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है। और अच्छा, और कोई सुविधा या कुछ भी सरकार की तरफ से दी जा रही हो, आपको क्या चाहिए, मतलब अगर आप लोगों की मांग हो सरकार से कि, तो क्या मांगे, क्या समस्या कैसे हो सकता है, मांगे अगर रहने के लिए दे देता है इसी जमीन को तो घर अपने ही से बना लेते, कहीं भी गरीब अगर व्यवस्था हो जाता तो कहीं पर भी रह लेते। आप लोग देख सकते हैं, इसमें वीडियो बनाए हैं हम लोग, अब देखिए हम लोग के साथ क्या 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 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और घर की आप लोगों की मांग है कि या तो घर मिल जाए या जमीन मिल जाए? हाँ, मतलब नहीं, घर अपने आप ही रह लेंगे, अगर जमीन मिल जाएगा तो बहुत है, घर भी दे देंगे तो जमीन ही पे नहीं देंगे, कहीं आसमान में थोड़ी देंगे। तो पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था मैम जी एक बात बताएं, वही कमेटी वाले वहाँ पे एक पानी निकल रहा था रोड पे, उसे हम लोग जैसे नहाते धोते थे तो उसे पानी को देख करके कि यहाँ पे नहाते धोते हैं तो उसको मतलब किलान गाड़ी मंगाए, हाँ जैसे किरान गाड़ी मंगा करके जिप्सी मंगवा करके उससे भी ढकवा दिया। अच्छा, समस्या। और अब क्योंकि डेंगू भी काफ़ी फैल रहा है तो बीमारी वगैरह भी, मच्छर उच्छर के लिए मच्छरदानी है, मच्छर लोशन, हाँ बदबू। अच्छा, और इन सब के साथ आप, क्योंकि अभी आपने कहा कि पानी बंद कर दिया वहाँ से लेना, तो कितने दूर जाना पड़ता है, कहाँ से कर रहे हो? वहाँ बजीतपुर वहीं बस पानी लेकर आते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता होगा? से आधा किलोमीटर पर, वहाँ पर 3-4 किलोमीटर। तो कौन, क्योंकि महिला ही शायद जाती होंगी पानी लेने, तो साथ लेके आती है फिर? 4-5 डब्बा पानी लाते फिर भी खत्म हो जाता है, नहीं हो जा रही। तो यानी कि एक बार में जब भर के लाते हैं तो उससे पूर्ति नहीं हो पाती, पूरे दिन नहीं हो पाती। गर्मी का मौसम है मैम, बच्चों लोग पानी लाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, कैसे कैसे। और बरसात में फिर कैसे भीगते हैं, भर जाता है झुग्गियों में, पानी भर जाता है, भीगते भी बहुत है कार्य। और क्योंकि फिर पूर्ति नहीं हो पाती, अभी इन्होंने कहा कि जितना भर के लाते एक टाइम में, तो फिर बाकी दिन बहुत कम यहाँ पे मिलता है कुछ खाने के लिए, इसलिए कि बाहर के लोग बहुत रिक्शे वाले गाड़ी वाले आते हैं, सारे वही खा लेते हैं। तो यानी कि ना राशन की पूर्ति पहले मिलता नहीं है कुछ भी, राशन की पूर्ति दो लोग वो भी नहीं आ रहे हैं, मैडम आती थी राशन देते थे गरीबों को, हम लोग को कम्बल भी, वो कुछ भी अब नहीं मिलता है। रोजगार के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? के लिए हम लोग कंपनी में जॉब करते हैं, सफाई का काम करते हैं। इस समय जब से गांव से आए हैं तब से हमें कंपनी भी नहीं। गांव से कब आए?
आए हुए 2 महीना हो गए। देखिए 2 महीने से कोई रोजगार भी नहीं है। अच्छा, और कमेटी परेशान कर रही है लगातार कुछ समय से। हम लोग को बार बार जुग्गी बना रहे हैं सही से, वही हम लोग का जुग्गी तोड़ दे रहे हैं। ये पिछली बार कब टूटी थी, मतलब कब आए थे कमेटी वाले? एक आध महीने पहले फिर से तोड़ी थी। और कितने समय से तोड़ रहे हैं? ये चार, हम लोग नहीं आए थे गांव से, उससे पहले 2 महीने से युगी तोड़ रहा है, भगा रहा है, फिर हम लोग रह रहे हैं ऐसे ही कर करके। यानी कि लगभग 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने से लगातार झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। सफाई से भी नहीं रह पा रहे, टूटने की वजह से झुग्गी हम लोग सफाई से भी नहीं रह पा रहे, बहुत गंदगी में रह रहे हैं। जैसे बना देंगे तो आप लोग को भी देखने में सही लगेगा, आने जाने वाले आदमी भी देखते हैं तो कहते हैं कि झुग्गी में रहते हैं, पर गरीब आदमी सफाई से रहते हैं। यहाँ पे 15 अगस्त को बड़े बड़े अधिकारी लोग आते थे झंडा फहराने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये लोग तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं कुछ बच्चे वही पढ़ाते हैं अपने आपस में, इसीलिए झंडा फहरा रखते हैं हम लोग। अच्छा, ये यानी कि यहीं पे आप लोगों ने ही फहराया है। और अभी आपने कहा कि स्कूल, मतलब जो पहले टीचर आती थी वो भी अब बंद, स्कूल भी तोड़वा दिया यहाँ पे, स्कूल भी बना रखा था टेंट लगा के। मैडम 2 सर भी आते थे, 2 मैडम भी आती थी पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। उसके बाद अब पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है? भी नहीं है, अब कोई आता ही नहीं है, तो कहाँ से गरीब आदमी दे नहीं पाएगा। और सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? यहाँ वो लोकल आईडी मांगते हैं मैम, तो लोकल आईडी हम लोग का है नहीं। यहाँ के लोग पढ़ने जाते थे बहुत तेज थे, कुछ होता तो अभी। अच्छा, आप लोगों के यानी कि यहाँ का कोई भी आईडी वगैरह नहीं बना हुआ? नहीं है मैम, 1000 किलोमीटर दूर से हम लोग आए हैं कमाने खाने के लिए। कहाँ से आए आप? जिला सोनभद्र से, नहीं यूपी, बनारस से 100 किलोमीटर दूर आगे। क्योंकि उत्तर, मोस्टली यहाँ पे उत्तर प्रदेश या बिहार से ही लोग मौजूद हैं ना, अगर मेजरली बात करी जाए तो। फिलहाल तो यही यहाँ के लोगों की समस्या है कि लगातार कमेटी वाले आते हैं, हटा रहे हैं, या पिछले लगभग 4 महीने से बात करें तो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि सफाई भी नहीं लग पा रहे, क्योंकि बनाते हैं फिर तोड़ दी जाती है। पानी की समस्या लोगों को है, पहले पानी आता था वो कमेटी ने बंद कर दिया, तो अब 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। खाने की सबसे बड़ी समस्या है, अभी हमने दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत से पैदा हुए। कपड़ों की समस्या है, जो पानी से पानी की समस्या है, राशन की समस्या हो रही है। बताया कि जैसे कि राशन आता है पर वो पूर्ति का नहीं मिल पा रहा, छोटे बच्चे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा। स्कूल बनाया गया था, स्कूल कमेटी की ओर से तोड़ दिया गया है, तो यानी कि एजुकेशन भी अच्छे से नहीं मिल पा रही। तो तमाम ऐसी समस्याएँ हैं और पिछले कई महीनों से ऐसी समस्याओं से ये लोग जूझ भी रहे। समस्याएं बहुत हैं और शायद एक रिपोर्ट में कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग फिर से कल आएंगे, फिर से समस्याएं पूछेंगे जो बच गई, और तमाम इनके मुद्दे, हर वो चीज़ जिनकी समस्याएं हो रही है या जो सरकार की तरफ से तकलीफ़ हो रही है और जो सरकार से मांग है वो उठाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए नज़र टुडे।